आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी। साथियों, कई बार मन में बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं। बड़ा दुख होता है कुछ लोगों की ओछी हरकतें देखकर। कभी कभी लगता है कि आदमी स्वार्थ में कितना गिर गया। जी हाँ, आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और न जाने कितनी बीमारियां इस वायरस के कारण चल रही हैं। 22 मार्च 2020 से लगातार देश का नागरिक इन बीमारियों से किसी ना किसी तरह जूझ रहा है। कुछ वो लोग जो इन बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं, कुछ वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस बीमारी में खो दिया है, कुछ वो लोग जिनके व्यापार रोजगार इस बीमारी के कारण, इस वायरस के कारण बंद पड़े हैं, कुछ वो साथी जिनकी इस वायरस के कारण, इस कोरोना के कारण नौकरियां जा चुकी हैं। इस तरह देश का हर नागरिक इन बीमारियों से किसी ना किसी तरह जूझ रहा है, लड़ रहा है और ऐसे में सदा सुर्खियां बटोरने वाले बाबा रामदेव आकर सवाल खड़े करते हैं। आपने बाबा रामदेव के बयान हाल ही में पढ़े होंगे और सुने होंगे कि बाबा रामदेव किस तरह एलोपैथिक दवाइयों पर सवाल उठाते हैं और वो बताते हैं कि देश भर में अब तक इतने डॉक्टर गुजर चुके हैं, जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित होगी। बाबा रामदेव महज अपनी दवाइयां बेचने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जितने लोग मेरे देश में ठीक हुए हैं वो एलोपैथिक से ठीक हुए हैं, आयुर्वेदिक से ठीक हुए हैं, या भगवान का उनको आशीर्वाद था वो उससे ठीक हुए हैं। ये मैं यहाँ उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन लोग ठीक हुए हैं। और जब लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं और एक उम्मीद होती है कि डॉक्टर हमें किसी ना किसी तरह बचा लेगा। ऐसे में बाबा रामदेव के बयानबाजी आना बहुत ही अशोभनीय है देश के लिए। उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी निंदा होनी चाहिए। बाबा रामदेव का बयान जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस के बिल्कुल खिलाफ है। बाबा रामदेव लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इससे उनके इस तरह के बयानबाजी आने से लोग पैनिक हो जाएंगे और लोगों में एक घबराहट हो जाएगी। बाबा, आपकी महंगी महंगी दवाइयां खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपनी जान बचा रहे हैं, तो मैं केंद्र सरकार से मॉडर्न मेडिकल साइंस से, मेडिकल काउंसिलिंग से मांग करता हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार, भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि बाबा रामदेव के जो बयान, बेतुके बयान आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो और उनके इन बेतुका बयानों पर अंकुश लगाया जाए।
नारनौल हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर एक छोटे से गांव से निकले बाबा रामदेव का सफ़र शुरू हुआ था, और वो सफ़र आज एक बहुत बड़े लाला रामदेव के नाम तक पहुंच चुका है। सूट सलवार से लेकर आज वो कोरोना की दवाइयां बना रहे, सूट सलवार का मतलब वो सूट सलवार नहीं बना रहे, दिल्ली में आपने उनके हालात देखे थे किस तरह वो सूट सलवार पहनकर भागे थे। बाबा आप उस दिन भी गलत थे जब आप हजारों अनुयायियों की जान की परवाह ना करते हुए सूट सलवार पहनकर भाग गए थे रामलीला ग्राउंड से। अगर आप सही होते तो उनके बीच में वहीं डटे रहते, आपने उन्हें छोड़ दिया और आप खिसक गए वहाँ से सूट सलवार पहनकर। और आज जब देश में इतने गंदे हालात हो रहे हैं इस कोरोना के चलते, बाबा उनसे पूछिए जिनके घर का बेटा गया है, जिनके घर का लाल गया है, जिसकी मांग का सुहाग गया है, जिस बहन का भाई गया है, जिस भाई की बहन गई है, जिस पति की पत्नी गई है इस कोरोना में, उनसे पूछिए कि आपके इस बेतुका बयानों से उन पर क्या बीत रही होगी। आप डॉक्टरों पर उंगली उठा रहे हैं, आप होते कौन है डॉक्टरों पर उंगली उठाने वाले? आपको अधिकार क्या है डॉक्टरों पर उंगली उठाने का? किसने दिया आपको अधिकार? किसने दिया आपको एलोपैथी पर उंगली उठाने का अधिकार? आप जो इस तरह की वाह वाही लूटने के बयानबाजी दे रहे हैं, सुर्खियों में जो आप बने रहना चाहते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। आपको हम एक सलाह देते हैं कि आप जो भी व्यापार कर रहे हैं अपना एक कोने में बैठकर आराम से करते रहिए। हमारे देश के मेडिकल साइंस पर, हमारे देश के डॉक्टरों पर उंगली ना उठाएं, अन्यथा ये देश की जनता बाबा आप पर भी उंगलियां उठा देगी। देश सब जानता है आपके प्रोडक्ट क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन लोग फिर भी सोच रहे हैं जो है वो ठीक है। तो आप मेरे देश की जनता पर को भ्रमित ना करें, और ये समय किसी भी तरह के भ्रम फैलाने का नहीं है, ये समय है लोगों को हौसला देने का, लोगों को ताकत देने की। आप साधु संत हैं, आप एक योगी हैं, आपको चाहिए कि आप लोगों को हौसला दें, लोगों को ताकत दें, लोगों को जोश दें इस कोरोना से लड़ने की, ताकि लोग कोरोना से लड़े और जीते। आप उन्हें मोटिवेशन करें, उन्हें ताकत दें कि कोरोना कुछ नहीं है, जो डर गया वो मर गया और जो नहीं डरा तो कोरोना मर गया। आप लोगों को बताएं, उन्हें हौसला दें, ये समय हौसला देने का है, ना कि अपने डॉक्टरों पर उंगलियां उठाने का। हमारे बहुत से साथी, बहुत से डॉक्टर बंधु इस कोरोना में हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। डॉक्टर के अग्रवाल जैसी हस्ती, जब तक सूरज चांद रहेगा और जब जब इस कोरोना का जिक्र आएगा तो डॉक्टर के अग्रवाल का नाम आएगा। वो कहावत सुनी थी एक मैंने कि जब तक सूरज चांद रहेगा, किसी एक नेता का नाम लेके और फिर कहा जाता था तेरा नाम रहेगा, तो मैं कहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर के अग्रवाल सर आपका नाम रहेगा। इतनी बड़ी हस्ती इस कोरोना में चली गई, हमें दुख है, लेकिन
जाने से 5 मिनट पहले भी उन्होंने लोगों को मोटिवेशन किया है, उन्होंने लोगों को लड़ने की हिम्मत दी है, कोरोना से शक्ति दी है उन्होंने, और आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, भ्रम फैला रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो इसलिए बाबा आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपनी दवाइयाँ बेचिए, आप जो भी कुछ कीजिए, लेकिन इस कोरोना संकट में आप भ्रम ना फैलाएं, वाहवाही ना लूटें, सुर्खियों में आने की कोशिश कतई ना करें। देश की जो स्थिति है उसमें आप देश के हर नागरिक के साथ खड़े हों। हम लोगों को भरोसा है अपनी मेडिकल साइंस पर, हम लोगों को भरोसा है एलोपैथिक पर, हम लोगों को भरोसा है आयुर्वेदिक पर, हम लोगों को भरोसा है होम्योपैथिक पर, हम लोगों को भरोसा है आपकी योगा पर भी। हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे, हमें आपकी योगा पर भी भरोसा है। और आप तो क्या, आपसे पहले योगा थी, आप तो आज आए हैं, योगा तो सदियों से चली आ रही है। तो इसलिए आपसे विनती है कि बाबा भ्रम ना फैलाएं, देश के हालात को देखते हुए आप देश के लोगों को हौसला दें, ताकत दें, शक्ति दें, और कुछ दे सकते हैं तो गरीब मजदूरों की मदद करें, लेकिन भ्रम ना फैलाएं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।